गाइस आज है संडे, हमारे बच्चे हैं तीनों घर पे ही आज। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है नए ब्लॉग में। आज है मॉर्निंग से स्टार्ट, जो कि आज है हमारे कानू से। ये उठ गए हैं दोनों, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो मैं अभी आज सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, पूरे दिन का रूटीन दिखाती हूँ, क्योंकि आज है संडे, बच्चे भी घर पे हैं और मैं भी घर पे ही हूँ। आज कहीं नहीं जाएंगे। तो एक भाई साहब ने मैसेज किया था कि भाई साहब दिन का रूटीन का भी ब्लॉग बनाया करो, शॉपिंग के तो बहुत अच्छे हैं बट वैसे भी ब्लॉग बनाया करो। तो मैं उठ चुकी हूँ, बच्चों को दूध दूध पिला दिया है मैंने। तो मैंने अब लगा दी है मशीन, जो कि अब आज संडे है तो आज बच्चों की ड्रेस वगैरह सब धोनी है। तो चलूँ कर दी ये कपड़े, और ये है हमारा बाथरूम। एक दिन होम टूर भी देंगे आप लोगों को ज़रूर। अब इसको भेज देती हूँ दादू के पास, इसको ले जा दादू के पास, मैं इतने कपड़े धो लेती हूँ, फिर तू सुखाया ना छत के ऊपर। जी आज बहुत काम करेगी। दूध भी बढ़ा दिया कपड़े के चक्कर के अंदर, बढ़िया है। डेली कहीं नहीं मिलता। दिया करेगी बर्तन साफ छोटे छोटे, और पानी की सारे करेगी। चल ठीक है, और पानी की बोतलें भरेगी, और मैं जा रही हूँ अभी ऊपर। ठीक, और वो मैडम देख रही है टीवी। कहाँ है वो? यहाँ। तू आ रही है वहाँ, कर देते हैं सही। आंटी भी आ गई पोछा लगाने के लिए, वहाँ से करो सही। मैंने गद्दी वगैरह सब सही कर ली है, अब करती हूँ मैं डस्टिंग सारी चीज़ों की, दराजों की, इनकी सबकी। फिर उसके बाद में इतने मशीन चल रही है, कपड़े धो लूँगी। फिर कपड़े धोने के बाद में फिर चादर वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह सब सो रहे हैं पापा वगैरह के, क्योंकि एक हफ्ते में मतलब 4-5 दिन में एक बार चादर उतारती हूँ, फिर धोती हूँ उनको। जिस दिन छुट्टी होती है ना बच्चों की, जिस दिन मशीन मतलब चादर वगैरह सारी चीज़ धोती हूँ मैं। तो चलो अब वो भी काम कर लेते हैं। ये मम्मा, ये दोनों बहनें लड़ाई करती रहती है जब देखे, जब उसको टीवी देखना है उसको नहीं देखना। हाँ बोलिए। बताओ मुझे यार, मेरे ऊपर पानी फेंकी। इनकी यही लड़ाई होती है, पानी फेंकी और वो मुंह बना रही है, और वो मुझे ये बोल रही है, वो मुझे ये बोल रही है, यही चलता है ना तुम्हारा। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे, इनको संभालते हैं। अब मम्मा और पियू काम कर रही है। पीयू तो काम फैला रही है, अभी देखो गद्दी वगैरह सब मैंने सेट कर दी है, अब ये पूरी कर देगी, बैठ बैठ के यहाँ टीवी चलाएगी और ये सब कर देगी। फिर चलो तुम आप नहा लो, चलो फिर कपड़े भी धुल जाएंगे साथ साथ में। चलो उल्टा कर रहे हो। अरे ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऐसे। आंटी आंटी आ गई पोछे वाले, अब आप घूमो मत, या तो दादू के पास बैठ जाओ या फिर एक जगह बैठ जाओ, पैर ही पैर छापते घूमोगे फिर आप। ठीक है, तो चलो भाई सब काम के लगते हैं। बाबू पैं पैं करने लग गया है, मेरे को बाबू बाबू करने की आदत पड़ गई गई। काम या वंश बोलती ही नहीं हूँ मैं तो। सुबह सुबह फेस कैसा दिखता है देखो, तैयार आदमी कितना अच्छा लगता है। वंशु, चलो भाई वंशु है हमारा बाबू। वो हैबिट हो गई ना, 3 महीने बोलते बोलते बाबू बाबू बाबू, फेस कितना गंदा लग रहा है। चलो नहा धो के मिलते हैं गाइस। अब आप एक बार तो किचन साफ कर दी, क्योंकि आंटी लगा रही है पोछा, तो फिर बनाएंगे खाना। आंटी पोछा लगा लेगी ना, फिर उसके बाद में खाना बनाएंगे, तो इसलिए ये साफ कर दी। अब मैं चलती हूँ ऊपर। कितना टाइम लगाएगी भाई कपड़े धोने में। चल गया, ये बाथरूम में पंखा है, गर्मी ना लगे इसलिए फैन जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बाथरूम में ही निकलता है। कैसे लेके आए? ये है गाइस एलोवेरा, अब इसको लगाऊंगी मैं फेस पे, फिर उसके बाद में मैं चली जाऊंगी घूमने। घूमने नहीं, नहाने। मामा एलोवेरा लगा रही है, और मैं और मामा को चिढ़ाते हैं कि मामा आप नोज़ी लगा रहे हो अपने मुंह पे। अच्छी दिया नोजिक जैसे नहीं है गाइस, मेरे पिगमेंटेशन हो रही है ना इधर इधर, उसके लिए लगाती हूँ। और फेस पे मैं कुछ भी नहीं लगाती, एक धूप में जाती हूँ तो सनस्क्रीन लगाती हूँ। गाइस मम्मा बताइए, मेरे से थोड़ी आती है, और उसमें अलग गया ना हाथ में, तो बदबू बहुत तेज आती है।
वैसे लगाना चाहिए, और फिर ये सूख जाए ना, फिर उसके बाद में पेड़ तोड़ना चाहिए। फिर सूख जाए तो बहुत बुरा लगता है। अब वो सारा काम हो गया? नहीं, खाना नहीं बना, अभी नहा धो के खाना बनाऊंगा। आप क्या दिखा रहे हो जब वीडियोस बना रहे हो? आज डेली रूटीन। काफी भाई साहब ने बोला कि भाई साहब कैसे हैंडल कर पाते हो इतना काम वगैरह सब, तो मैंने कहा चलो एक दिन मैं दिखाती हूँ आपको पूरा काम कैसे करती हूँ। सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। एक मिनट। तो गाइस अब मम्मा मैं बताती। तो गाइस मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करती हूँ। आज तो छुट्टी है, जैसे हम लेट उठे थे तो इसलिए काम थोड़ा लेट ही होगा हमारा। तो आज हम बाजार शायद नहीं जाएंगे। क्यों मम्मा? चलते हैं आज रेस्ट करेंगे, एक दिन रेस्ट करती हूँ मैं, थोड़ा कैमरा उधर रेस्ट करती हूँ, एक दिन मैं शॉपिंग पे जाती हुई वैसे। तो आप काफ़ी मैसेज है भाई साहब आप कैसे हैंडल कर पाते हो इतना छोटा बेबी के साथ में भी, और घर पे खाना भी, दो दो बच्चे ये भी हैं। तो उसे तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ, उठ के फटाफट इनका टिफिन उफिन बना के इनको स्कूल भेज देती हूँ, सब्जी मेरी जब बन जाती है, आटा इनका थोड़ा सा लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर आ जाती हूँ, उसको दूध पिला के फिर वापस जाती हूँ। झाड़ू पोछे वाले हमारे आती है आंटी, और फिर उसके बाद में ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं नहाने चले जाऊँगी, कपड़े उपड़े मतलब ऐसे सही वगैरह चादर उधर सही करके, और फिर मैं नहाने चले जाती हूँ। नहा के फिर आके और फिर बाबू को तो छोड़ती हूँ, 10-11 बजे जाते हैं, बाबू को तो छोड़ती हूँ पापा के पास, फिर मैं बनाती हूँ खाना। खाना बनाने के बाद में फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ, फिर ऊपर 12-1 बजे से आ जाती हूँ, फिर उसके बाद में बाबू को दूध पिला के फिर चली जाती हूँ बाजार, फिर मैं 1-2 बजे 3 बजे तक आती हूँ, इतने पापा रख लेते हैं उसको, फिर मैं भी आ जाता हूँ, फिर ये भी आ जाते हैं 2-2.5 बजे। बट 2-2.5 बजे जाती हूँ मैं बाजार, इनके स्कूल के आने के बाद में जाती हूँ, अब कोई अर्जेंट काम हो तो मैं पहले भी चली जाती हूँ। तो ये मेरी रोज़ की है, और आज का रूटीन तो आपके सामने होगा ही। संडे को अलग रूटीन रहता है, संडे को लेट उठते हैं ना तो लेट सारे काम हो जाते हैं, इसलिए अभी तक मैं नहाई भी नहीं है। अब मैं नहाने ही जा रही हूँ, कभी कुछ ना कुछ कपड़े की तय करी। अभी देखो ये मेरे कपड़े रखे सूख गए, कपड़े इनकी तय करी, तो मैंने कहा एक बार काम करके फिर उसके बाद में कर दी। अभी हमारे साहब जी ने उठे, वो लेट आते हैं ना ड्यूटी से, तो उनका वेट कर रही हूँ कि चादर बिछा दूँ उनके नीचे, चादर तो निकाल लेती हूँ दौड़ने के लिए। तो मिलते हैं आपको आगे। तो ओए आ गया है? तो गाइस मैं भी फ्री हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, और ये हमारा कानू भी हो गया है ना, दो है ना। हाँ हाँ, अभी बातें करता है। चलते हैं खाना बनाने, ठीक है? चलें, आपको दादू को देते हैं। आ गई मैं नीचे किचन में, अब करते हैं किचन का काम, सब्जी बनाते हैं। पूरे बर्तन धोए थे ये मैंने और जिया ने, अब इनको खाली करती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ, पापा को खाना देती हूँ। नहा के आ गई है कि मम्मा बाल बा दो, चोटी बना दो है, चोटी नहीं बनाऊँगा, बाल ही बाऊँगा। ठीक गाइस, मैंने बनाया मेरे लिए बाटी का चूरमा, रात को बच गई थी बाटी तो उसको मैंने चूरमे में बना दिया, तो घी वगैरह सब डाल के रेडी हो गई, तो मेरे भी ख्वाहिश पूरी हो गई आज। रात को बाटी बच गई थी ना। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ खाना बना के खिला के सबको, और अभी ऊपर आके मैंने रेस्ट किया, बाबू को भी ही वापस से सुलाया, मतलब दूध पिलाया। हाँ गाइस, इसको वापस मैं बाबू ही बाबू करती रहती हूँ, बट इसका नाम वंश है, कोई बात नहीं चलता, अभी छोटा है तो अभी कोई बाबू भी चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा। तो अभी मैं रेस्ट करके मैं सो ली वैसे, अब सोने के बाद में अब धो बज गए, साहब जी गए हमारे ड्यूटी, बज गए हैं 3:00 PM। अभी मैं जा रही हूँ पार्सल लगाने, या तो पार्सल लगाने का टाइम होता है मेरा, या फिर शॉपिंग का टाइम होता है, तो वहीं से ही मुझे सूट लेना है। बट मुझे आज मैं आपको कुछ आया होगा तो दिखाऊंगी, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पार्सल लगा के आना है, उनका अर्जेंट पार्सल है भाई साहब का, क्योंकि उनको पहनना है करवा चौथ, ये गणेश चतुर्थी के ऊपर, तो फिर पहुंचेगा नहीं, 2 दिन में पहुंच जाएगा, 3rd दिन इसे ला लेंगे फिर, इसलिए मैं जा रही हूँ पार्सल लगाने अभी। ओके, तो इन बच्चों को भी लेके जाऊंगी क्योंकि आज है संडे, तो ये रहेंगे मासी के, और बापू भी, वो कानू भी हमारा जाएगा मेरे साथ, तो इसलिए चलते हैं, उठाते हैं अपनी गाड़ी और पहुँचते हैं आपका पार्सल लगाने। भाई साहब ब्लॉग देख रहे हैं तो चलो भाई चलते हैं।
बैठ चुके हैं हमारे बच्चे और हम। अब देखो इस पे क्या बना, आप बताओ गाइस क्या बना, इसके पे क्या बना रहा है, किस पे बना रहा है, समझ में। इस पे कुछ अभी गिरने वाले भी हो आप, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, गिरने वाले भी हो। ये क्या है, पकड़ के बैठ जाओ नहीं गिर जाओगे। ये देखो कानू मस्त खेलता हुआ पकड़ के जिया को पकड़ रखा है। इस बच्चों को छोड़ दिया, अब मैं चलती हूँ, ले लिया एक सूट और ये जिया देने आई है, ठीक है, और एक ये वो है लफे वाला, तो ये अभी मेरे को पार्सल लगाने का। इस अब नहीं लगती, ले लिया पार्सल, पार्सल लगवाने, ये पार्सल रखे मेरे, अभी ये नाम लिखेंगे और दो दिन में पार्सल पहुंच जाता है। इनका क्या है कि फास्ट पहुंचाते हैं ये, दो तीन दिन में, एक बार मैं पहले भी लगा के आई थी वो हाक के सूटों के, तो उनके चार पांच दिन में पहुंचे थे, ये तो दो तीन दिन में पहुंचा देते हैं पार्सल को, इसलिए थोड़ा दूर पड़ता है बट सही टाइम पे जल्दी से पहुंचा देते हैं। तो चले गाइस चलते हैं, बारिश आने लग गई, गए हम घर पे, चलो मिलते हैं कानू से। कानू क्या कर रहा है, ये खाता खुलवा लिया है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्या नाम है, मैं एक अकाउंट खुलवा के आऊँगी, तो वो मैंने ऑनलाइन ही खोल दिया था, तो अभी इसका वो कार्ड आ गया है, तो भानु से करवाती हूँ फ़ोन के अंदर कैसे क्या होएगा। तो अभी ये भी ले आई मैं, तो मैंने अकाउंट भी खुलवा लिया आज, अब मैं सरप्राइज़ भी दे सकती हूँ हमारे पति देव को। थे भैंस वाली के पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए गए थे, ये रोया मिली नहीं, ये तेरा कोई याद नहीं, रोया नहीं। चाय, फिर चाय पी के निकलते हैं, वो देख कैसे कर रही है। अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में घर जाने के लिए, और ये लेके आई है भक्के चीज, क्या क्या लेके आई है, ये लेके आई, अब गई है जिया लेने के लिए। खाता खुलवाया वो कार्ड गिर गया, मैं तो कहीं पे चोरी का माल मोरी में ही जाता है, ये हकीकत बात है। चुपके से अकाउंट खुलवाया उसका भी कार्ड गिर गया, अब उनको पता चल जाएगा कि कार्ड गिर गया, गलत काम हो गया गाइस, पता नहीं कहाँ गिर गया, अब देखती हूँ घर, घर जाके भी देखती हूँ घर मिलेगा या क्या, और जो भी ढूंढ के ला के देगा मैं उसको 1,00,000 रुपए देगी। चल पागल लड़के, वो ढूंढ के लाएगा ना, कार्ड भी वो बंद ही है, उसने भी वेरीफाई नहीं करा उसको, वो ढूंढ के लाएगा ना उसको 1,000 रुपए देगी, 1 रुपए नहीं मिलेगा 4 रुपए मिल जाएंगे। हाँ ममता तंवर के नाम से पड़ा मिलेगा एटीएम कार्ड, है नहीं गाइस, तो चलते हैं घर जाके देखेंगे भाई कहाँ मिला वो, कहाँ पड़ा। शेयर करूंगी चिकन, तुमने चिप्स की बदबू कर दी। मैंने गाइस अब हम आ गए हैं घर पे, जिया ले उतरो, चलो बाबू को, बाबू रे वो वंश है। ये जी ये मेरे को टोकने में कसर नहीं छोड़ती और मैं बोलने में कसर नहीं छोड़ती, चलो तो चलो ऊपर चलो। बाबू क्या चला रहा है गाइस, शाम हो गई वापस से, अब रेडी हो गए अपने ड्यूटी के लिए, रोटी सब्जी के लिए, तो अब चलते हैं नीचे, आज का दिन आपको रूटीन समझ में आ जाएगा कि कैसा रूटीन है, मैंने इलायची खा रखी है गाइस, वैसा आ रहा फेस, खा लेती हूँ एक मिनट। आप भी बोलोगे ये कार्टून ही है क्या। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाना है, अंडे की सब्जी बनानी है, आज संडे है ना गाइस, तो इसलिए या तो मटन चिकन बनता है, तो कल मावस है ना इसलिए वो नहीं बनाएंगे, तो आज अंडे की सब्जी बनाएंगे, ये हमारे पापा शौकीन हैं इन चीज़ों के, तो चलते हैं अब खाना बना के, मिलते हैं। ये बन गई है अंडे की सब्जी, पर मैं नहीं खाऊंगी, क्यों, तू तो ऐसे कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगी अंडे, मैंने ऐसे बोला था आपकी तरफ से। देखो गए सभी एक खारी देख लो, ऐसे बोल रहे हो मैंने खाऊं, मैं नहीं खाती। इसमें आ गई हूँ ऊपर खाना उना खिलाने के लिए, क्योंकि कानू रोने लग गया था, तो पापा बोले इसके ले जाओ हम, मैं डाल लूंगा खाना, तो पापा खुद डाल के खा लेंगे, साहब जी आएंगे हमारे लेट, तो उनका खाना मुझे डालना पड़ेगा,
तो गाइस ये है मेरी दिनचर्या, जो कि आप बोलते हो जीजा कैसे करते हो कैसे करते हो, तो ऐसे हैंडल करती हूँ मैं पूरे दिन, यही रहता है मेरा। बच्चों को भी बाहर भी भीतर भी सारा कर लेती हूँ मैं वैसे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करना गाइस। आप लाइक नहीं करते हो, मैंने काफ़ी बार बोला है आप लोगों को, प्लीज़ लाइक किया करो आप चैनल को, चैनल को भी और वीडियो को भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब इसको सुलाते हैं, ये देखो मुंह में हाथ ले रहा है, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। तो गुड नाइट गाइस।